जस्ट अ मिनट सर, मैडम आपसे बात करना चाहती है। Accident. तीन सिंगल वेब से मिल चुका और तीनों 65 की थी। सीरियसली डूड, यू आर द मैन। या आई एम द मैन। एक्चुअली एक बुढ़िया के लिए दूसरी बुढ़िया ढूंढ रहा हूं। अ गवर्नेस फॉर द ग्रेट मैडम खंबाटा। सीरियसली मैन, आई एम सो डन विद इट। नेक्स्ट कैंडिडेट पेज सर, डू हैव अ चॉइस, प्लीज सेंड हर इन। टुडे इज माय लकी डे। नंबर 4 तशरीफ ला रही है, मिलेगा? नो भाई, स्पैम ही होगे। तू मेरा दोस्त है ना, मैं अकेला हूं, तो चेक इट आउट ब्रो। साले 16 को 60 बता के बेवकूफ बना रहा है। शी इज हॉट। कम इन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मैन, हैव अ नाइस इवनिंग। Good evening, sir. I'm Sheena, Sheena Roy. Hi, Sheena. Patrick Sharma. वो गवर्नर्स की जॉब के लिए एप्लीकेशन। गवर्नर्स? Really? I mean, अगर आप बुरा ना माने तो एक गॉर्जियस लड़की लाइक यू गवर्नर्स बनना चाहती है, ये कहाँ जायज है? 3 साल से ग्रीन ऑर्बिट हॉस्पिटल में थी, सीनियर सिटीजन ट्रीटमेंट और केयर में स्पेशलाइजेशन है। वेरी इंप्रेसिव, पर लगता है आपने हमारा एक्ट ठीक से पढ़ा नहीं। द एक्ट क्लियरली सेज की गवर्नेंस 50+ होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन। मैंने पढ़ा तो था, बट देन आई थॉट एज इज जस्ट अ नंबर। इट्स ऑलराइट, आई एम सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। Sorry too. Thank you, sir. Hi. Welcome back. Please. Age is just a number. Frankly, recruit करना मेरा field नहीं है। मैं एक investment banker हूँ, पर खंबाटा मैम को मना नहीं कर सकता। You see, उनकी previous governess की पिछले हफ्ते death हो गई थी, car accident। बहुत efficient थी वो। Let's see,
मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ, वी कुड टेक अ चांस। थैंक यू सर। अभी नहीं, कल डिनर पे कर सकती हूँ। जी हाँ, खंबाटा रेजिडेंस के रूल्स और प्रोटोकॉल समझने के लिए एक डिनर का वक्त लगेगा ही। नाइस मीटिंग यू शीना। थैंक यू सर। शीना, इस जॉब के लिए सिंगल होना भी एक कंडीशन है, सो आई होप यू आर। आई एम सिंगल सर। देयर आई वांट यू टू गेट द जॉब। गुड लक। कल शाम तक हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। आई कैन हार्डली वेट। सॉरी, वैसे मुझे वक्त पर आने की बुरी आदत है, लेकिन खंबाटा मैम आपको ज्यादा ही सवाल पूछ रही थी, इसलिए लेट हो गया। आपने कुछ ऑर्डर किया? नो मिस्टर शर्मा, आई वाज वेटिंग फॉर यू। कॉल मी पैट। वो क्या है ना, मिस्टर शर्मा खंबाटा मैम के जमाने का लगता है। एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग सर, योर यूजुअल व्हिस्की। प्लीज आस्क द ब्यूटीफुल लेडी। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? पिना कोलाडा। वर्जिन? यस। And make that too. Sure, sir. Thank you, sir. Actually, खंबाटा मैम के मन में कुछ बातें सेट हो चुकी हैं कि यंग लड़कियों के बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बॉयफ्रेंड, शादी वगैरह वगैरह, यू नो व्हाट आई मीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट्स रियली काइंड ऑफ यू, वरना आजकल के टाइम में दूसरों के लिए कौन इतना करता है। थोड़ा पिकअप लाइन जैसा लगेगा, लेकिन अपना बनने से पहले हर कोई गैर ही तो होता है। अच्छा, कल खंबाटा रेजिडेंस जाने से पहले यू नीड टू नो सम रूल्स, पर उससे पहले एक जरूरी काम। शायद तुम्हारा ईगो हर्ट हो, पर ट्रस्ट मी, ये जरूरी है। Thank you. Cheers. Ma'am, Miss Sheena aayi hai governess ki post ke liye. Nice weekend, Mr. Kulecha. कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ। Welcome back to Tiffany Finance. We're here with Ben Kumar. So how are we doing this morning, ma'am? ये लड़की जो तुमने भेजी है, मैम वो एक क्वालिफाइड नर्स है, तो मैंने सोचा why not? पर कोई बात नहीं, बैकअप तैयार है। मिसेज रॉड्रिक्स कल शाम 6 बजे आपके घर पहुंच जाएगी और मैंने गच्चा
उमा ना सही, ह्यूमर तो है। ऑफ कोर्स मैम। और तुम्हें पता है उसे म्यूजिक का भी नॉलेज है? जी पता है, एक्चुअली ये भी एक रीजन था उसे सिलेक्ट करने का। नो यू डिडंट। तुम्हें कुछ पता नहीं था, बस एक ही प्रॉब्लम है। जी क्या? शी लुक्स लाइक माय ब्लडी स्कूल टीचर। सॉरी अबाउट दैट मैम। इसे 3 महीने के प्रोबेशन पे रखेंगे, उसके बाद फाइनल कॉल मिलेगी। मैम आप तो इंसान को 3 सेकंड में परख लेती है, 3 महीने को ज्यादा नहीं होगा? पता है मैंने शादी क्यों नहीं की? ऐसे स्टूपिड फ्लर्टी लाइन सुनने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मैम। ओके लिसन, नेक्स्ट वीक जब आओगे 1 लाख कैश लेके आना और पेटीएम वॉलेट में कुछ अमाउंट भी ट्रांसफर कर देना। जी हैव अ गुड। कम ऑन रिकी, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। तुम तो जानते हो ये हॉस्पिटल वाला 9 to 5 जॉब नहीं है। आई हैव टू बी देयर 24/7। अब समझ आया जो डैड कहा करते थे कि जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। आई डोंट नो, मैं तुम्हें ये सब क्यों करने दे रहा हूं। आई रियली मिस यू। यू ऑल आई हैव। I miss you too, but I'm doing this for us. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। एक कॉल तक नहीं किया तुमने। नॉट डाउन। वो सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि आपको फोन करने का टाइम नहीं मिला। दिस वीकेंड कॉल करूंगा। गुड मॉर्निंग मैम। आओ पैट आओ। मैं गौरव से कह रही थी कि मैं अपने घड़ी का वक्त पैट के टाइमिंग पे रख सकती हूँ। मैम मैं तो सिर्फ घड़ी का वक्त सेट करवाता हूँ, वकील साहब तो इंसान का वक्त सेट करवाते हैं। सेटिंग वाले तो आप, शेयर मार्केट में सामने वाले को तो शेयर मिलता ही नहीं, आपको मिल जाता है। मैम जो आपने मंगवाए थे। एक डॉक्टर नवीन का फोन आया था, वो आके आपके ब्लड शुगर लेवल्स चेक करेंगे और फिर रात का डोजेज डिसाइड करेंगे। या बीपी टैबलेट। थैंक यू। Thank you. She's a quick learner. मैं इस लड़की को कुछ एडवांस देना चाहती हूँ। She desperately needs a makeover. अब किसी को स्टाइल टिप्स तो आप जैसी कोई दीवा ही दे सकती हैं। इस बात पे मैं पैट से एग्री करता हूँ। You know she's efficient. Good choice. रूल्स तोड़ना भी एक आर्ट है मैम। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है या घमंड? ये तो बस आपका प्यार है। मैम वो सैंटा क्रूज़ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स कल रेडी हो जाएंगे। आई विल कीप यू इन द लूप। ओके। हैव अ गुड डे मैम। शीना को 70,000 सैलरी पे शुरू करें? जी। व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। मैम ये रोलन सीमेंट के इक्विटी पेपर्स है, प्लीज साइन कर दीजिए। नॉट अगेन। फेवरेट। अब उस सीडी को निकाल कर उस पर मेरा नाम लिखकर बाहर रख कर आओ। अच्छा लगता है जब ओरिजिनल और मेरे रिकॉर्डिंग में कोई फर्क ही नहीं पता चले।
अब अकेली रह लेती है। जो थे वो चले गए, जो हैं वो भी चले गए। कौन? तो योर फर्स्ट वीकेंड क्या प्लान है? मूवी देखकर तो बर्बाद नहीं करोगी ना? वो डिनर के बाद आपके इंसुलिन का इंजेक्शन भी तो देना है। उफ़, वो सब तो मैं 1947 से कर रही हूँ, इतना तो खुद कर सकती हूँ। जी सॉरी मैम, आई डिडंट मीन टू बी रूड। नाउ ऑफ विद यू, शू, गो ऑन, गो एंजॉय योरसेल्फ एंड लिसन, रोड क्रॉस करते हुए ध्यान रखना, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ। आपको ड्रॉप कर दूँ? नो थैंक्स, पास वाले मॉल में ही जाना है। डेट मूवी? नहीं, अकेले ही देखूंगी। बेहतर है, अगर मैडम को किसी बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। नींद भी बड़ी अजीब चीज है यार, मौत की तरह बेफिक्र कर देती है और साथ की साथ जिंदा भी रखती है। मिस किया तुम्हें, सोच रहा हूँ जॉब लेके गलती की या गलत जॉब ले ली। इस तरह की पेचेक के लिए सैक्रिफाइस तो करना। बिलीव मी मैम, आप खामखा पैरानॉइड हो रही हैं। कैटरेक्ट? प्लीज डोंट मेंशन कैटरेक्ट अगेन डॉक्टर, मेरे क्रॉनिक डायबिटीज के साथ मैं अंधी नहीं बनना चाहती। अरे पैट, कहीं मुझे ये मारने का प्लान तो नहीं? लगता है डॉक्टर नवीन भी हेडलाइंस में आना चाहते हैं। तूने क्या किया दिया, ये तूने क्या किया बेलिया, ये तूने क्या किया। तुम्हारा क्वालिटी इतनी बार सुन चुका हूं कि याद हो गया। सो हाउ द जॉब, और हमारी डियर मैडम खंबाटा कैसी लगी आपको? अच्छी है, I like her. 70,000 के लिए उन्हें कैसे मनाया मैं जानता। Thank you, I appreciate it. अच्छा, लग तो नहीं रहा। मैडम वेट कर रही होगी। इतना अटैचमेंट भी अच्छा नहीं है स्वीटर। नौकरी खंबाटा मैम की मर्जी पर नहीं टिकी है, मेरी मर्जी पर टिकी है। प्लीज बी पेशेंट विद मी, मैडम बहुत शकी है, वो टाइम की बहुत। मुझ जैसे बिजी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास तो बहुत वक्त है तुम्हें 5-star होटल के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का। देखो, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि हम दोनों इतना रिक्वेस्ट मत करो स्वीट हार्ट, इट विल बी माय प्लेजर। Sir, it's very risky for me. अगर मैडम को पता चला तो। To hell with that old hag. फिर से गवर्नेंस ढूंढनी पड़ेगी। Don't make me do that.
अगले शनिवार द रिजॉर्ट में एंड प्लीज आंसर माय कॉल्स. साथिया ये तूने क्या किया. सॉरी सर, क्या हुआ, अटक गई थी क्या? हाँ, लेकिन सही बटन दबाते सब ठीक हो जाता है. मैम कुछ पता भी नहीं चलेगा. बिलीव मी यू विल एंजॉय योर ईयर. मैम योर क्लोथ्स आर हियर. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम 10 मिनट पहले आई थी? नहीं मैम, वो लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा. 25 फ्लोर चढ़कर? डिड यू हियर दैट डॉक्टर? चलो चलो बैठो, मुझे ये न्यूज पढ़कर सुनाओ. अरे कहाँ हो यार तुम? I'm almost ready. I'm so sorry Ricky. मैं निकल ही रही थी बट मैम की तबीयत अचानक खराब हो गई. अब उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़ के तो नहीं आ सकती ना. तुम अभी भी वहीं हो? कुछ दवाइयाँ लेने नीचे आई हूँ. I'm so sorry Ricky. I'll make it up to you next week. I love you. बज चुके हैं. कोई भी ट्रेन 6 घंटे के लिए नहीं चलती. कंबाटा को मेरी जरूरत पड़ सकती है. अरे फगत दर्शन की बुढ़ी है, हाथ से दिमाग तक सब कुछ जवाब दे चुका है. सिर्फ जबान चलती है, वो भी कैंची की तरह. शी इज अ ब्लडी बोर एंड ट्रस्ट मी, उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम घर पर हो भी या नहीं. एंजॉय योर ड्रिंक. आपको उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. वो आपको रिस्पेक्ट भी करती है और पसंद भी. पसंद माय एस, जवान मर्दों का शौक है बुढ़िया को. कभी कभी सोचता हूँ कि इससे शादी कर लो. हाँ थोड़ा झेलना पड़ेगा पर जस्ट इमेजिन व्हेन शी इज गॉन तो जैकपॉट लग जाएगा. मुझे लगा आप सच में उनकी कदर करते हैं. वो सब ही दिखावा है. God's sake, Sheila, क्या हो गया तुम्हें? Let's not discuss that, Buddy. That's strange. वो आपको सच में पसंद करती है. तभी तो उन्होंने अपनी वसीयत में अपने लंदन का कोई एस्टेट आपके नाम लिखा है. स्टेट आज की तारीख में तकरीबन 100 करोड़ का होगा. Really? फिर तो आपको ये बात बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए. Good one. You got me. अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने ये बात मुझे 3 साल में नहीं बताई और तुम्हें 1 महीने में बता दी, कैसे? Women talk, you know, over wine. शाम में जैसे जैसे वाइन मिसेस कंबाटा के अंदर जाती है वैसे वैसे उनके दिल के राज बाहर निकलते हैं. Anyways, आप मेरा यकीन क्यों करेंगे? पर चेक
फिर आप तो कभी भी वसीयत निकाल के देख सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। एक महीने पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और आज सुबह कहाँ थे? शेयर ऑफर वाले मीटिंग में नहीं गए? ना, मेरी तबीयत खराब थी और आपकी किस्मत अच्छी। मार्केट आज 11 बजे से गिरना शुरू हुआ है और अगले कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा। दो हफ्ते के बाद जब बंसल साहब वो सारे शेयर्स खरीदेंगे, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इनका नाम पैट्रिक शर्मा नहीं, प्रॉफिट शर्मा होना चाहिए था। थैंक्स। वो क्या है, कायदे कानून वकीलों के लिए है, हम बैंक वालों को मुनाफा देखना पड़ता है। मैम, ये कुछ शेयर्स के रिन्यूअल फॉर्म्स हैं और कुछ रूटीन ऑथराइजेशन, जहां पे क्रॉस मार्क है प्लीज साइन कर दीजिए। मैम यहां। सजेशन है कि सारे फिक्स डिपॉजिट क्लोज करवा दीजिए और सब सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्यों? एफडी में इंटरेस्ट रेट रहा नहीं इसलिए। आई थिंक अबाउट इट। फाइनेंसेस में गाइडेंस चाहिए तो मैं हूं। योर ग्रीन टी इज जस्ट कमिंग। ना मैम, नॉट वेल। टेक केयर मैम। चाहिए सर? हाँ, वो शीना के नीचे मैम के मेल्स चेक कर रही है। बुलाऊं? ना, नथिंग इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सॉरी मिस्टर शर्मा, लेकिन इस लेटर के बेसिस पे आई कांट लेट यू ऑपरेट द लॉ। सो व्हाट डू वी डू? मैडम को पर्सनली आना होगा या हमें उनसे कंफर्म करना होगा। यूसी सर, कल को अगर लॉकर से कुछ भी गायब होता है तो जिम्मेदारी तो हमारी होगी ना। दिस इज रिडिकुलस। पिछले 5 साल से खम्बाटा मैम का हर ट्रांजैक्शन एक लेटर के थ्रू हुआ है और उन्होंने मुझे लॉकर की भी दे रखी है।
Can I talk to Mr. Gautam Day, please? Sir, unka to transfer ho chuka hai. But you know what? We can do it right away. Aap bas ek baar meri ma'am se baat karwa dijiye. And we can go ahead with the procedure. Can I have a number? (777) 642 (555) 32 Yeah. This is Harish Ravalia from Western Alliance Bank. We have your letter, lekin locker operate karne ke liye aapka ek personal confirmation chahiye tha. It's just a formality. I've just taken it. Ma'am, we understand you're a very important client, but it's just a formality. It's all right. Bank protocol ke mutabik bas ek baar aap confirmation de deti hain to aapka kaam ho jayega. Not a problem. Okay, ma'am. All right. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you. कौन था? वो पैट्रिक सर से आपकी कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी, but बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट दे नहीं रहा था. That's not Pat's job, dear. Mr. Sharma, follow me. The phone to them. Yes, sir. Yes. Yes.
प्लीज। उस दिन आपके जाने के बाद रूम सर्विस वालों को आपके कमरे से यह मिला सर। इज इट योर्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये लिपिड माइक का आजकल फैशन हो गया है सर। मेरा एक दोस्त है टीवी एंकर, अक्सर ऐसे ही माइक का इस्तेमाल करता है स्टिंग ऑपरेशंस के लिए। मैंने सोचा महंगी चीज है, अगर आपकी है तो वापस कर दो। तो आपको इसके बारे में पता है? हाँ मेरा ये पता नहीं कब गिर गया। थैंक यू। यू वेलकम सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू सर। लुकिंग फॉर वॉच योर नेक्स्ट विजिट। हैव अ ग्रेट इवनिंग सर। यू टू। Nice sunny day, ma'am. मुझे तो कल ही पता था जब वेदर फोरकास्ट पे बोला गया कि आज बारिश होने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, हाउ कम तुम्हारे जैसे गॉर्जियस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? फ्रेंकली जो कर रही हूँ उसी के लिए तो कर रही हूँ। मेरा मतलब है अगर मैं खुद सेटल नहीं हुई तो बॉयज छोड़िए दोस्त भी साथ नहीं रहेंगे। Very sensible. Excuse me. Oh, not so hard. So gently. लगा कि वसीयत पढ़कर आप खुश होंगे, बट आप तो परेशान लग रहे हैं। सॉरी आपसे यहां बात करनी पड़ रही है, बट आदत भी तो आप ही ने डाली है ना। What the fuck are you up to? All in good time, sir. आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है बट यहां नहीं कर सकती, तो सैटरडे मिले वही आपके रिसोर्ट में। Are you trying to black? Same room, same time, sir. Sleep well and dream of me. Sorry, sir. ये आपको बहुत अटका दिया। छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड इवनिंग सर, वेलकम बैक। हर बार आपको वेट कराना ठीक नहीं है, तो रिसेप्शन पे आपका नाम लिया और उन्होंने चाबी दे दी। गेट टू द पॉइंट। ऑब्वियसली यहां तो मेरे साथ सोने के लिए तो नहीं आई हो। मिस्टर शर्मा, हर इन्वेस्टमेंट में आप ही का फायदा हो, दैट्स नॉट फेयर। दिस इज ब्लैकमेल राइट? लिसन, आई सीन अ डायमंड डजन लाइक यू। डील क्या है बता के खत्म करो, और जो भी रिकॉर्डिंग तुमने की है उसे वापस कर दो। Thank you.
जैसा दिख रहा वैसा है नहीं। इसने मुझे यहां बुलाया, पूछो इससे। लेकिन इससे पहले तो इसे आपने यहां बुलाया था। मैं तो यह भी जानता हूं कि शीना खंबाटा मैडम तक कैसे पहुंची। आप खंबाटे के भतीजे को जानते हो? रक्षित खंबाटा, एक बार मिला उससे। मैडम का सबसे बड़ा राज। Let's face it, जिस तरीके से आपने डैड की प्रॉपर्टीज और शेयर्स अपने नाम करवाई हैं, मुझसे छुपा नहीं है। एक्सक्यूज मी, वो मेरे ग्रैंडफादर का यानी मेरे फादर का घर था। और अगर तुम कुछ खोए हो ना, तो अपने फादर के कारण खोए हो, जब उन्होंने हमारे करोड़ों रुपए हमसे पूछे बिना एक एक थर्ड रेट प्रोजेक्ट में डुबो दिए। वो आपका फायदा करने निकले थे, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया। ओह शट अप, तुम्हारे फादर का पार्टनर मेरा होने वाला पति था, एन ऑनेस्ट मैन, जिसे तुम्हारे फादर ने फंसाया। स्टॉप ब्लेमिंग माय फादर एंड स्टॉप लाइंग अबाउट व्हाट यू हैव डन। ओह दैट्स फैंटास्टिक, नाउ यू जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस, दिस वन एंड दैट वन। You know what, Ani? I pity you. क्योंकि आप इतनी गरीब हैं कि आपके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है। Oh, please. But never mind. I'll see you in court, Aunty. No, Gaurav, blood is not always thicker than water. उसकी financial situation के बारे में सुनकर मैंने सोचा उसे घर बुलाऊं, help करूं। लेकिन उसकी हिम्मत देखो। मेरे घर में मुझे से बदतमीजी करके गया। What does he think he can get away with it? मुझे हमेशा लगता था कि रिकी मेरा साथ देगा। But now I'm done. एक नई वसीयत बनाओ रिकी के बिना। जल्दबाजी मत कीजिए मैम। These things can become very. मैं कह रही हूँ बस वो करो। पैट की लंदन एस्टेट को रहने देना। एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट योर फेवरेट रेम्ब्रांट पेंटिंग। लेकिन बाकी सब कुछ मेरे चैरिटीज को जाएगा। तब लगा जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। ये बाहर भी क्या खंबाटा की प्रॉपर्टी है कि उनका वॉचडॉग मुझे यहां से निकालने आ गया। कहीं से भी खुद को निकलवाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। उनका घर या उनकी वसीयत? खंबाटा की वसीयत में मैं हूं थे उस किस्से से पहले। अब तुम्हारा शहर चैरिटी में जाने वाला है, तो तुम मेरे हालात को सेलिब्रेट करने आए हो। मुझे हालात नहीं, मौका नजर आ रहा है। मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? मैडम की वफादारी करके कुछ नहीं मिला। सोचा गद्दारी में क्या गलत है। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने पिता के लिए इतना तो कर ही सकते। इस वक्त तुम्हारे अलावा खंबाटा के आसपास और कौन रहता है? उनकी गवर्नेस प्रभा, तो उसे जाना होगा। चली जाएगी। शीना को रिकी के साथ देखने के बाद तुमसे मिलाने के लिए लड़की बाहर से नहीं लानी पड़ी। लड़कियों के लिए आपकी इतनी कदर, यही शीना की नौकरी की गारंटी थी। We'll take our chances. I'm all yours. बस तुम्हारी किसी कमजोर कड़ी को ब्लैकमेल का निशाना बनाना था। पहली बार लिफ्ट में आपका मिसेस खंबाटा के बारे में बकवास सुनकर हमें यकीन हो गया कि आपको अपना बनाया जा सकता है। बस तुम्हारे साथ इस कमरे में अकेले आने के लिए शीना बिल्कुल राजी नहीं थी। रिकी के लिए उसने वो हद भी पार कर दी। Just finish this, बच्चन सिंह। पैट साहब अब बैंक से वसीयत निकालकर हमें देंगे। मैं एक नई वसीयत बनाऊंगा जिसमें सब कुछ रिकी के नाम कर दिया जाएगा। आपका लंदन वाला एस्टेट वैसे ही रहेगा।
रिक्की और मेरा डील हो चुका है, बहुत सारी जिंदगियां बदलने वाली है। तुम मुझसे खम्बाटा मैम पे भरोसा तोड़ने के लिए कह रहे हो? इसी कमरे में कुछ रात पहले खम्बाटा की जो तारीफ आपने की थी वो सुनने के बाद उनको आप पर पूरा भरोसा हो जाएगा। देखो, फॉर्जरी इज अ क्राइम, जेल में जायदाद का कोई फायदा नहीं होता। इस पर अपने सिग्नेचर करने की तकलीफ कीजिए प्लीज। सिग्नेचर है पैट साहब, आपने कौन सा किया था अगर आप बता दें तो हम इस मामले को यहीं भूल जाते हैं। कोई जेल नहीं जाएगा, बस वसीयत बदली जाएगी और बुढ़िया मरेगी, मतलब कभी ना कभी। सब ठीक है ना? Is there any problem? मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी, but I really don't know how to tell you this. अगर तुम किसी से प्यार करते हो, क्या तुम उसके लिए कुछ ऐसा करोगे जो करने से शायद फिर वो तुमसे प्यार न करे? She's not your sex toy. She's my girl. और तुम्हारी गर्ल नहीं, मुझे तुम्हारे प्लान का हिस्सा बना दिया। By default, वो शीना की मजबूरी थी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तुम कमाता तुम सब, your game is over. You guys are finished. You guys are done. अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।
किसी में कोई ना कोई हुनर होता है। आप फिगर्स के जादूगर हैं और मैं उंगलियों का। देख लीजिए आपका लंदन वाला क्लॉज वैसे ही। एक बार पत्ते पड़ जाए तो प्लेयर चाहकर वीडियो को छोड़ नहीं सकता। रिलैक्स, बात करनी है। एक लॉन्ग ड्राइव पर चलें। याद किया मुझे? अब रेगुलर कस्टमर का डिस्काउंट मत मांग लेना। एक प्लान को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले 2-3 दिन में। कौन है ये टाइप? एक बुढ़िया। होलसेल में बुढ़ियों को उड़ा देगा। ये भी गाड़ी से लगना तो ये भी एक्सीडेंट ही चाहिए। चोरी का मामला। जेवर बहुत पहनती है, जो हाथ लगे उठा लेगा। बता बता। Ricky, is that you?
ये रिकी क्या हुआ? मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं दरवाजा खोलो। लिया। 50 लाख कल शाम तक भेज देना। हाँ के अलावा और कोई जवाब उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। रिकी ने कोई गलत आदमियों के सामने मुंह खोल दिया होगा। वो लोग जो मांग रहे हैं क्रम ने नहीं दिया तो वो रिकी को मार कैसे कैसे करें? मुझे थोड़ा सा वक्त दो, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैम, आपके ब्लड शुगर लेवल्स लो हो गए हैं। थैंक यू। मामूली चोरी लगनी चाहिए इसलिए रेजिस्ट मत करना। ये जेवर देकर हम रिकी को छुड़ा लेंगे। खंबाटा के सारे जेवर इंश्योर्ड है इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा। बस दिमाग ठंडा रखना। सर्विस का अपॉइंटमेंट लिया है पर गैराज वाले कार ड्रॉप करने को कह रहे हैं। शाम तक लौटूंगा। ठीक है ठीक है। अरे पैट को जरा फोन लगाना। योर टर्न। तुमने तीसरी बार अपनी घड़ी देखी है, क्या बात है? मैम वो एक्चुअली पियानो ट्यूनर को बुलाया था लेकिन अभी तक आया नहीं। तो क्या हुआ, हम कहाँ मरे जा रहे हैं? जीतना थका देता है। जरा मेरा फोन लाना वहां से। पैट कहां गायब हो गया? कम ऑन क्विक क्विक। हेलो। हेलो मैम, पियानो ट्यूनर बुलाया था आपने, वो आए हैं। हाँ दीदी जी।
सुबह में उनका बीपी थोड़ा हाई था बट शी इज ओके नाउ. आज नहीं, कैन यू प्लीज कम टुमारो. ओके थैंक यू. थैंक यू. प्लीज आप जरा दरवाजा खोल सकते हैं. थैंक यू. आप पियानो रिपेयर करने आए? बच्चन का फोन है आपके लिए. आपका फोन नहीं लग रहा. मेरी बात सुनो, तुम वहां पे कोई बहाना बनाओ और निकलो अभी के अभी फौरन. क्या हुआ? मैं फोन पे नहीं बता सकता, तुम वहां से निकलो अभी. ठीक, शुक्रिया. वॉशरूम में थी, कुछ कंफ्यूजन हो गया है ना. पियानो ट्यूनर की वजह पियानो रिपेयरर भेज दिया उन्होंने. वंडरफुल. रिपेयरिंग और ट्यूनिंग में फर्क नहीं मालूम? बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट की तरह. उसके ड्राइविंग लाइसेंस से आपका पता मालूम हुआ काफी देर से ना. आप अगर आकर मेरा कुछ कहना इस वक्त ठीक नहीं होगा, रहने दीजिए. संभल जाओ, अगर बुढ़िया ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो उसे आई डोंट केयर. कौन थे वो लोग? कैसे वो आई सब? पैसे तुम देने ही वाले थे. जो हुआ रिकी की वजह से हुआ. मैडम उसका कोई दुश्मन? एनीवन जो उसे किसी तरह मैं, उसके लिए मैं ही सबसे बड़ी दुश्मन थी. लेकिन मेरे लिए वो कुछ नहीं था. मैं ऐसे जाने हूँ. इस तरह नहीं, हम इस गेम का कोई निशान नहीं छोड़ सकते. मेरे लिए ये गेम नहीं था. रिकी मेरा हस्बैंड था. I was doing all this for him. मैरिज की थी अपने, किसी को बताया नहीं था. जानती हो बीवी होने का मतलब रिकी के बाद उसका सब कुछ कानून तुम्हें मिलेगा. We're back in the game. मैंने जिंदगी तो अपने तरीके से चलती है. औरों के सारे तो जना से उठा करते हैं. Ha ha ha.
किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी तुझसे हर एक सांस पर समझौता करो। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं। जब तक हमारी जरूरत थी तब तक ही क्यों ये मोहब्बत थी। कदम ले लो। अफ्रीका से खास आजमाया हुआ मैम कॉफी। कॉफी नहीं आज मन नहीं है। ओके अच्छा सुनो सुनो ले आओ। नहीं तो कहोगी कि मैं नाटक करती हूँ। रखो लोग बादल जैसे होते हैं जब हट जाते हैं तो रोशनी आ जाती है। कुछ अजीब सा टेस्ट है। शीना तुम अभी तक अच्छी कॉफी बनाना नहीं सीखी। अच्छी कॉफी तो प्रभा बनाती थी याद है पैट। सॉरी मैम आई गेट यू सम कुकीज टू गो अलोंग विद इट। पैट की फिक्र मत करो उसको कोई शक नहीं होगा। कॉफी असर दिखना चाहिए अब। 3 मिनट तो हो गए। अभी वक्त है। मैं टाइम देख रहा हूँ।
आपको कॉफी पिए अब एक मिनट ही तो हुआ है। I don't understand. लॉकर खोलने की क्या जल्दी है? मुझे पता है उसमें क्या है। मैम आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। बैंक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा वाला रिलायबल है। It's all right, मैम। मैं देखती हूँ। क्या हुआ? मैसिव हार्ट अटैक, कोई चांस ही नहीं था। आई एम सो सॉरी। माय गॉड, बच्चे। happening Pat, 3 महीनों में ये तीसरी मौत हुई है यहाँ। मुझे नहीं लगता ये इत्तेफाक है। मैम आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। I'm with you. Thank you. You're a good man. अगर आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। अभी आप प्लीज रेस्ट कीजिए। And don't worry about anything. I'm just a phone call away. चलता बाय मैम। Can you make it quick, please? Yeah. Do you want something? A virgin pina colada, maybe? Sorry about Ricky. Can we come to the point directly? The point is, Sheena Roy, कि अब उस वसीयत से सिर्फ एक इंसान को फायदा हो सकता है और वो हूँ मैं। कभी कभी आप गेम अपने टैलेंट की वजह से नहीं सामने वाले की गलती की वजह से भी जीतते हैं। रिकी के जाने के बाद अब उस नई वसीयत का कोई मतलब नहीं है और मैं खंबाटा मैम की पुरानी बिल में भी बेनिफिशियरी हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं अपने फायदे का कुछ फायदा तुम्हारे साथ भी बांट सकता हूं। Now the point is,
कि मुझे मेरी रिकॉर्डिंग वापस कर दो। मैं ओरिजिनल बिल जाकर वापस लॉकर में रख दूंगा। ना खंबाटा मैम की फिक्र और ना ही जेल जाने का डर। दिल Do I have a choice? आप कल आ रहे हो ना खंबाटा मैम से मिलने, तब ले लेना। गुड, तुम इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल कर रही हो, अच्छा लगा। आने से मेरा सुर बदल गया है। बैड टाइमिंग। सॉरी अबाउट दैट मैम। आपको रुकना नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा बजा रही थी। ये भी तुम्हारे जैसे हो गई है। मैम हमारे ऐसे नसीब का है। और वैसे भी शीज़ नॉट माय टाइप। रियली? एंड व्हाट्स योर टाइप? 70 प्लस। यू स्काउंडरल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। मैं इसका ओरिजिनल सीडी लगा देती हूँ, दोनों में फर्क ही नहीं पता चलेगा। सर वो सीडी लगा देंगे प्लीज, आपके पीछे ही है। दैट वन, द सेकंड वन फ्रॉम द लेफ्ट, शोभा लिखा है उस पे, इफ यू डोंट माइंड। या शो। यू नो बेटर देन टू चैलेंज मी। मैम प्ले अलोंग। अरे फगत दहशत की बुढ़ी है, आज से दिमाग से सब कुछ जवाब दे चुका है, सिर्फ जबान चलती है वो भी कैची की तरह। शी इज अ ब्लडी बोर। प्ले इट अगेन पैट, प्ले इट अगेन सैम। रिमेंबर कैसाब्लांका, मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर। प्ले इट अगेन पैट। अच्छा बजाते हो पैर। Everything is fucked up. I can fuck it up more. मैं खमाटा मैम को बता सकता हूँ कि कैसे तुमने मुझे फंसाया और नकली वसीयत बनाई। Please do. बैंक से वसीयत निकालना और फिर फौजरी में बच्चन का साथ देना, फौजरी के लिए जेल हो सकती है। आप ही ने कहा था ना। Sure, ma'am. Yes.
डोंट वेस्ट माय टाइम गौरव, बैंक से वो मेरा विल लेकर आओ, पैट का नाम निकाल कर एक नई वसीयत बनाओ कल तक। आप कभी माफ नहीं करती? नहीं, माफ करूंगी तो भूल जाएगा, सजा कोई नहीं भूलता। गौरव इसके लिए भी 10 लाख लिख देना। पुअर गर्ल। थैंक यू मैम, आप सिर्फ मेरी सैलरी का हिसाब कर दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ बिना कोई एहसान लिए। हेलो, मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है। थैंक यू मैम, यू आर वेरी काइंड, आई एम सॉरी बट आई लीव टुनाइट। ओह गॉड, हियर वी गो अगेन। गौरव, मुझे प्रायोरिटी पे एक गवर्नेंस चाहिए, और तुम वो गलतियां मत करना जो पैट ने की थी। यस, हेलो मैम, आप मेरा फोन उठाती नहीं है, इसलिए मुझे दूसरे नंबर से करना पड़ा। कुछ रह गया है मेरे बारे में कहने के लिए? आपसे एक बार मिलना था मैम। Our romance is over, lover boy. बहुत जरूरी बात है मैम। और अगर मैं नहीं मिलना चाहूं तो? आपकी जान को खतरा हो सकता है। Can you believe it, the swine? मुझे मौत की धमकी दे रहा है। Relax, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे मैं नीचे सिक्योरिटी को आगाह कर देता हूं, वो इस कॉम्प्लेक्स के आसपास भी नहीं आ पाएगा। पैट की तरह बुलाने में नहीं, आने में यकीन करता हूं। जिस घर में किसी की याद रहती हो, मुझे वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओरिजिनल विल का है। को दिखाकर वो जैसा चाहती है एक नई विल बनाओ, फिर इन दोनों विल्स के साथ क्या करना है ये तो तुम जानते हो। लॉकर में जो वसीयत है वो वही रहेगी, आखिर खुलनी तो वही है। और यहां दोबारा मत आना, हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहिए। गुड इवनिंग मैम। मैम 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 आर यू ऑल राइट? मेरा ब्लड शुगर चढ़ गया है और मेरा बीपी भी ठीक नहीं है। जसिंता, वो अपनी छुट्टी पे गई है। कर मुझे जरा वहां से इंसुलिन दे दो। मैम द बॉटल इज एम्प्टी। नहीं, दूसरा होगा, नया वाला, देखो ठीक से। There's no other bottle. Hang on, ma'am. मैं सामने वाले केमिस्ट से लेके आता हूँ। फोन से ऑर्डर करेंगे तो टाइम लगेगा। जल्दी जाओ।
चलता रहा और मैं चलता गया। You the Sultan of Brunei's new wife? It's a long story. Yes, Gaurav. Sab kuch aa gaya. It's all here in black and white. Of course you deserve a vacation. And you share too. Aapke saath business karke bada maza aaya. I'll see you soon. मुझे लगा तुम हम सब का साथ छोड़ के चले गए। साथ छोड़ा था, पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने खंबाटा को वार्न करने की कोशिश की थी, पर खंबाटा बीइंग खंबाटा डिडंट लिसन टू मी। स्टबर्न ओल्ड वुमन। और मुझे शुरू से इंक्लिनेशन था कि जितने सीधे तुम बनते होते हो नहीं, इसलिए मैंने तुम पर नजर रखना शुरू किया। आजकल मैंने एक नया शौक पाला है, बटन से खेलना। शीना की देन है। खंबाटा के फ्यूनरल पर मैं आप दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था, पर यू वर टू बिजी टू नोटिस। सन्नाटे में आपके विस्पर्स भी एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग में है। दिस रियली वर्क्स। जब बार काउंसिल को पता चलेगा कि खंबाटा की मौत में तुम्हारा क्या हाथ है, देन दे विल बैन यू फॉर लाइफ। इट्स ऑल ओवर मिस्टर गौरव शर्मा। कम ऑन पैट, लेट्स मेक इट अ हैप्पी एंडिंग फॉर बोथ ऑफ अस। श्योर। फिर से से बाहर निकलते ही यू फाइंड अ कार अरेंज बाय योर सेल्फ ड्रिवन। वेलकम सर। सरप्राइज।
मैं जानता हूं तुम्हें किसी और का इंतजार है। ब्रिलियंट। पहली मुलाकात में मैंने तुमसे कहा था कि गवर्नेंस का काम तुम्हारे लायक नहीं है। कैसे सोच लिया तुमने ये सब? और मैं यहां अपने आप को मैथमेटिशियन समझता था। How did you get here? क्योंकि तुमने गलत पार्टनर इन क्राइम चुना। By the way, Gaurav is out of the picture now. How can you be so sure? Trust me, this time I am. दूसरों की गाड़ी में बैठने की आदत गई नहीं तुम्हारी? तो आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी है? तुमने कैसे सोच लिया कि रिकी के लिए इतना सब करने के बाद मैं कोई विटनेस या सबूत छोड़ दूंगी? Really? Tell me more. Find out for yourself, Pat. Goodbye. घर से खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। It's all yours now. Rest in peace.